नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा। खबर जिला बिजनौर के अफजलगढ़ से है, जहां एक माह पूर्व करण की चपेट में आई एक 17 वर्षीय किशोरी की मौत के मामले में लगभग 28 दिन पूर्व कब्र में दफनाई गई युवती के शव को जिलाधिकारी के आदेश पर एसटीएम की मौजूदगी में पुलिस ने कब्र से निकलवाया। उसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। गौरतलब है कि नगर के मोहल्ला नायक सराय निवासी सलीम अहमद पुत्र अमीर हुसैन की 17 वर्षीय किशोरी मुस्कान परवीन की मौत लगभग एक माह पूर्व करंट लगने से हो गई थी। परिजनों ने किशोरी मुस्कान के शव को दफनाकर कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक कर दिया था। बताया जा रहा है कि किसी अज्ञात शिकायतकर्ता द्वारा उच्च अधिकारियों से युवती की हत्या करने की शिकायत दर्ज कराई गई थी। लगभग एक माह पूर्व करंट की चपेट में आई 17 वर्षीय किशोरी मुस्कान परवीन की मौत के मामले में लगभग 28 दिन पूर्व कब्र में दफनाई गई युवती मुस्कान के शव को जिलाधिकारी के आदेश पर एसडीएम मोहित कुमार सिंह, सीओ थामपुर भरत कुमार सोनकर, कोतवाल योगेंद्र सिंह चौधरी, कस्बा इंचार्ज गोपाल कुमार, चेयरपर्सन पति जावेद विकार, भाजपा नेता सलीम अंसारी एडवोकेट मौलाना मुख्तार अहमद, शेख मोहम्मद जैद सहित परिजनों की मौजूदगी में पुलिस ने नगर के मोहल्ला जैनुलाबिदीन में स्थित कब्रिस्तान में पहुंचकर शव को कब्र से निकलवाया। उसके बाद शव को सील कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। एसडीएम मोहित कुमार ने जानकारी देते हुए बताया, आज ये कस्बा अफजलगढ़ में जिलाधिकारी बिजनौर महोदय के निर्देश के क्रम में एक मृतका मुस्कान पुत्री सलीम अहमद के सबको कब्र से निकाल कर और उनकी मृत्यु की सही जांच के लिए पोस्टमार्टम के लिए बिजनौर भिजवाया गया। और इसी के साथ जुड़ रहे बंधन समाचार के साथ।